आपके पास सात मरीज हैं या जहां दर्द है, जिगर की प्रॉब्लम है, गुर्दे की है, दिल की है, गले की है, आंख की है, कान की है, या कि कोई तकलीफ है, तो आप वहां एक हाथ रख लेंगे, साथ में छोटा बच्चा है या मरीज है उसके सर पे, व्हील चेयर पे जो बैठा है उसके सर पे हाथ रखें। वो अपने सर पे अगर हाथ नहीं रख सकता ताकि उसको भी दम हो जाए। तीसरे दम के लिए आपके पास पानी है, तस्वीर है, तबीज है, कोई चीज है, उनको आराम से निकाल ले। आपके पास एक मिनट है, फोन भी किसी को दम कराना है उसको भी दम करवा ले, पानी शानी कोई चीज भी दम करानी है खोले बगैर उसे दम करा ले। हाथ रख लें तो आपको दम हो गया। अभी दुआ के लिए इतना दूर पे तैयार हो जाए, दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमार को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। हे अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्कर्म की मुराद को पूरा फरमा दे। दुआ है रब्बे काबा से जब हमारा इस दुनिया से गुजर हो तो हमारी ज़बा पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हे अल्लाह इमाम पाक की कुर्बानी की वजह से जो जो कहीं बीमार है, कहीं भी कलमा पढ़ने वाला परेशान हाल है, किसी मुसीबत में है, किसी से जुदा है, कोई दूर है, अल्लाह ताला इस कुर्बानी के वसीले से अल्लाह ताला तू करम और मेहरबानी फरमा दे। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफाई कामला अता फरमा दे। अभी दुआ का टाइम आने वाला है, आप अपने हाथों को इस नीयत से खड़ा करें कि आपके दिल से उठी आवाज आपके रब तक पहुंच जाए। इस मोहब्बत से याद रखें, दुआ जबानों से नहीं होती, दुआ दिल से निकलती है, दुआ का दिल से तल्लुक होता है। अल्लाह उनकी भी सुनता है जो कोई जबान होती है, जिनकी जबान में बोलने की कुव्वत नहीं होती, लेकिन रब उनकी भी सुनता है। इसलिए दिल के अंदर से जो मुराद है रखे और मेरे अमीन के साथ अमीन कहें, जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला तैयार हो जाए। सभी जो लोग हैं सभी को दुआ के लिए तैयार हो जाए। आमीन आमीन आमीन।